ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव में क्या कुछ कैसा महोत्सव रहा? आप वापिस आप आदि पहुंचे गुरु हरिद्वार। वास्तव में अविस्मरणीय था, अद्भुत था, अनुपम था। भगवद गीता क्योंकि वैश्विक प्रेरणा का ग्रंथ है ये, तो और आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समस्याओं का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं अशांति, कहीं दुर्भाव, कहीं युद्ध के बादल, कहीं और प्राकृतिक आपदाएं, कई तरह से विश्व में कहीं एक मानसिक रूप में जो एक दुर्बलताएं दिखाई दे रही हैं, आशंकाएं दिखाई दे रही है, मेंटल इलनेस जिसे वहाँ की भाषा में कहें, तो उसका समाधान क्योंकि भगवद गीता है। और इसीलिए हमें लगता है कि जहाँ भी ऐसे देश में जाना होता है तो वहाँ गीता के प्रति एक रुचि स्वाभाविक दिखाई दे रही है। जैसे पार्लियामेंट की बात आई वहाँ की, तो पार्लियामेंट में लगभग 9-10 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त उपस्थित थे। भारत के जो ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त हैं डॉक्टर मनप्रीत बोहरा, वो पूरा समय रहे। तो वहाँ के स्पीकर, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मिल्टन डिक, उन्होंने भगवद गीता जब रिसीव की बड़े रिस्पेक्ट से, और कहा उन्होंने कि भगवद गीता मैं केवल अपने लिए नहीं ले रहा, मैं पार्लियामेंट के लिए ले रहा हूँ और पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए ये गीता ले रहा हूँ और पूरे सम्मान के साथ हम स्थान देंगे। तो सेमिनार जो हुआ ऑनलाइन, उसकी रजिस्ट्रेशन थी 2,500 की सीटिंग कैपेसिटी का हॉल था, तो पूरी तरह पैक था और अनेक वक्ता, अनेक महापुरुष, अनेक स्कॉलर्स, अलग अलग देशों के स्कॉलर्स थे वहाँ और सबने बहुत ध्यान से सुना। बकायदा ऑस्ट्रेलिया हाँ की पार्लियामेंट में विराजी भी गई है हाँ गीता। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में तो स्वयं वहाँ के स्पीकर ने, जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने स्वीकार किए। उसके अतिरिक्त भी 3 स्टेट पार्लियामेंट्स में भी, वहाँ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसे विक्टोरिया के स्टेट पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम था, वहाँ रख दी गई। साउथ वेल्स जिसकी राजधानी सिडनी है, सिडनी विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, तो वहाँ सिडनी के लिए असेंबली के लिए अलग से गीता दी गई। ऐसे ब्रिस्बेन में अलग से दी गई गीता जी। सिडनी की जो काउंसिल है, वहाँ की मेयर महिला हैं, डिप्टी मेयर भारतीय हैं, उन्होंने भगवद गीता पे ही शपथ ली थी। तो उन्होंने स्वयं इनवाइट करके कहा कि हमारी काउंसिल में भी हमें गीता जी विराजित करनी है। तो वहाँ भी काउंसिल में हम गए तो मेयर, डिप्टी मेयर, उनके काउंसलर्स काफ़ी, तो वहाँ भी भगवद गीता विराजित की गई। और लास्ट डे जो शोभा यात्रा का था, गीता सद्भावना यात्रा, कुछ कारणों से, सुरक्षा कारणों से खुली शोभा यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन तो भी गीता जी को सर पे लेके हर हर गीता रिवर घर फ्रंट पे घर, अगर आपने देखा होगा, रिवर रिवर फ्रंट फ्रंट पर पे हर हर गीता घर महाआरती। घर गीता, गीता जी सिर पे लेके जब चले, तो अच्छा वातावरण था और लगभग 5,000 से अधिक लोग वहाँ रिवर फ्रंट पे उपस्थित थे। तो ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से ये कार्यक्रम अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट बना, ऐतिहासिक प्रेरणा का कारण आधार बना, और हमें लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी भगवद गीता ऑस्ट्रेलिया में एक नई प्रेरणा के साथ सबके घर में होगी, सबके हृदय में होगी। मॉरिशस, कनाडा, इंग्लैंड से होते हुए ऑस्ट्रेलिया में अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। क्या कुछ आगे भी विदेशों में इसी तरह आगे निरंतर जारी रहेगा महाराज जी ये प्रयास? हाँ, कई देशों से संकेत हैं, तो जैसे जैसे होगा, क्योंकि विदेश में लगातार बार बार नहीं हो सकते कार्यक्रम, तो अभी हुआ है, अभी आगे कुछ और देशों के निमंत्रण हैं, तो कार्यक्रम ये सुनने में आया कि क्रम अगले चलता ही सितंबर रहेगा। में कनाडा में संभावित है। कनाडा में तो हो चुका है, आगे देखो
अभी अमेरिका भी लाइन में है, बाली भी लाइन में है, तो उसमें कई ऐसे देश हैं। जैसा जैसा अभी समय के साथ सितंबर में फिजी संभावित है फिजी हमें। के लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में मिले, वो भी चाह रहे हैं कि हमारे देश में भी कार्यक्रम हो ऐसा। तो अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी तो एक कार्यक्रम हुआ है, आगे जैसा होगा तो, लेकिन चलता रहेगा ये क्रम। दूसरा, क्या हमारा दिन नहीं लगता कि एक भारत से शुरू हुई गीता, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, कलाम साहब अपने साथ रखते थे गीता को, वो विदेशों में भी आज उस गीता का डंका बज चुका है। निश्चित रूप से देखो, APJ अब्दुल कलाम ने जब ये कहा नालंदा विश्वविद्यालय के अपने दीक्षांत समारोह में कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग पे चलना ही होगा, क्योंकि वो स्वयं रेगुलर गीता पाठी थे, गीता पढ़ते थे वो। और उन्हें भी जो प्रेरणा मिली विक्रम भाई सौरोजी से, प्रेरणा मिली गीता पढ़ने की, नियमित बाल्यकाल से गीता पढ़ते थे वो। तो सुषमा जी नियमित गीता पाठी थी, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है कि विश्व के पास लेने के लिए और मेरे पास विश्व को देने के लिए, भारत के पास देने के लिए भगवद गीता से अच्छा कोई उपहार नहीं है। तो हमें लगता है कि उपहार के रूप में गीता जी अब आगे विश्व तक पहुंच रही है। इसमें निश्चित हरियाणा सरकार का, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का भी वास्तव में सराहनीय एक प्रयास है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, क्या कहेंगे उनको, किस तरह है बधाई मिलेंगे, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री जी हम ने बड़े बुजुर्गों देखो, को हमारे अपने तो परिवार उपहार समझ के उनको अयोध्या भेजा है, सबसे हाँ राम आज भेजा है, और उनकी उन्होंने कहा है कि 60 साल से ऊपर के लोग तीर्थों के लिए जाएंगे तो उनको निःशुल्क तीर्थ यात्रा का रखा है। तो हमने भगवद गीता भेंट की आज उनको, हमारे पास ही देने के लिए भगवद गीता ही है, बहुत कि बड़ी चीज नए है। नए स्वरूप में आज उनको भगवद गीता दी। तो उन्होंने वैसे पहले जो हमने दी थी तो अपने पॉकेट में से निकाल के दिखाई, कहते मैं तब से पॉकेट में लगातार रखता हूँ, बस सोने के समय सिरहाने के पास रख लेता हूँ, सुबह स्नान करके फिर पॉकेट में रख लेता हूँ भगवद गीता। तो निश्चित है कि वो गीता के कर्म योग को लेके चल रहे हैं, तो शुभकामनाएं उनके लिए।